क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच और आपके जीवन की घटनाओं के बीच साइंस का क्या संबंध हो सकता है, विज्ञान का क्या संबंध हो सकता है? नमस्ते, आज हम बात करेंगे आकर्षण के नियम के पीछे के विज्ञान की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसी हमारी सोच और विश्वास वैज्ञानिक तरीके से वास्तव में हमारे जीवन की वास्तविकताओं को बदल सकते हैं। विज्ञान की नज़र से देखें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी और क्वांटम फिजिक्स जैसी अवधारणाएं यह समझाने में मदद करती है कि हमारी सोच का वास्तविकता पर कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है हमारा मस्तिष्क नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल सकता है। यह हमें नई आदतें और सोच विकसित करने में मदद करता है। वही क्वांटम फिजिक्स बताता है कि हमारे विचार ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं और वे अन्य ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। एक चेतावनी, जब आप इस वीडियो को चलाएं तो अपना सारा ध्यान इस वीडियो से आने वाली आवाज़ पर लगाएं। वीडियो में चलने वाले चित्रों से आपका ध्यान भटक सकता है। तो चलिए गहराई में जाकर जानते हैं कि आकर्षण के इस अद्भुत नियम के पीछे कौन कौन से वैज्ञानिक तत्व छिपे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का यह रोमांचक सफर। सबसे पहले बात करेंगे क्या है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम कहता है कि हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी ऊर्जा जो हम ब्रह्मांड को भेजते हैं वही हमारे जीवन में वापस आती है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक चीज़ें होती हैं, वही यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक चीज़ें होती हैं। यह सिद्धांत मानता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अब हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। आकर्षण के नियम के पीछे कई वैज्ञानिक अवधारणाएं और सिद्धांत हैं जो इसका समर्थन करते हैं। आइए हम इन्हें विस्तार से समझें। सबसे पहले मस्तिष्क की संरचना और सकारात्मक सोच। आइए हम मस्तिष्क की संरचना और उसके काम करने के तरीके पर नजर डालते हैं। हमारे मस्तिष्क में विभिन्न रसायनों का उत्पादन होता है, जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन। ये हम रसायन हमारे मूड और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन का अधिक उत्पादन करता है, जो हमें खुश और उत्साहित महसूस करवाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने साबित किया है कि जब हम खुश होते हैं तो हम ज़्यादा रचनात्मक, उत्पादक और स्वस्थ होते हैं। खुश रहने से हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, जिससे हम बीमारियों से बचते हैं। इस प्रकार सकारात्मक सोच न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होती है। इसके बाद बात करते हैं ब्रेन वेव्स और ऊर्जा। हमारा मस्तिष्क ब्रेन वेव्स उत्पन्न करता है, जो कि विद्युत तरंगे ही होती है। ये ब्रेन वेव्स हमारी सोच और भावनाओं के अनुसार बदलती रहती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारी ब्रेन वेव्स की आवृत्ति उच्च होती है, यानी कि इनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न करती है। यह एनर्जी, यह ऊर्जा हमारे आसपास के लोगों और वातावरण को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी खुशहाल और पॉजिटिव व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं तो हम भी खुश और पॉजिटिव महसूस करने लगते हैं। यह उस व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव होता है। इसी प्रकार जब हम स्वयं पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो हम अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाते हैं। अब विज्ञान का दूसरा, क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जो यह सिद्ध करता है कि हर चीज ऊर्जा है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा शरीर सभी ऊर्जा से बने हैं। जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा उस दिशा में भेजते हैं। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह फैलती है और समान आवृत्ति की ऊर्जा को आकर्षित करती है, यानी कि सेम फ्रिक्वेंसी की ऊर्जा को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हमारे विचार वास्तविकता पर प्रभाव डालते हैं। जब हम सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं और जो सकारात्मक घटनाओं और परिस्थितियों को आकर्षित करती है। इसी प्रकार नेगेटिव विचार, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो नेगेटिव घटनाओं और परिस्थितियों को हम आकर्षित करते हैं। फिर बारी आती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा मस्तिष्क हमेशा बदल सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है।
जो यह सिद्ध करती है कि हमारे विचार और अनुभव हमारे मस्तिष्क की संरचना को बदल सकते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो हमारा मस्तिष्क नए और पॉजिटिव न्यूरल पाथवे बनाता है। ये पाथवे हमें सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच और कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम नियमित रूप से ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ग्रे मैटर का विकास होता है। ग्रे मैटर हमारे मस्तिष्क के उन हिस्सों में पाया जाता है जो आत्मनियंत्रण, निर्णय लेने और भावनात्मक नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार नियमित ध्यान हमें अधिक आत्मनियंत्रित और भावनात्मक रूप से स्थिर बनाता है। विजुलाइजेशन यानी किसी चीज की कल्पना करना आकर्षण के सिद्धांत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम किसी चीज की स्पष्ट और जीवंत कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उस अनुभव को वास्तविक मानने लगता है। यह हमारे मस्तिष्क को वैसे ही संकेत भेजता है जैसे कि वह अनुभव वास्तव में हो रहा हो। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम उस चीज को पाने की दिशा में और भी अच्छे कदम उठाते हैं। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी जो अपनी सफलता की कल्पना करता है, वह अपने मस्तिष्क को उसी तरह प्रशिक्षित कर रहा होता है जैसे वास्तव में वह अभ्यास कर रहा हो। यह उसे मानसिक रूप से तैयार करता है और उसकी सफलता की संभावना को बढ़ाता है। सकारात्मक सोच के जरिए वास्तविक जीवन के उदाहरण। आकर्षण के नियम को समझने के बाद आइए हम कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर नजर डालें जहां लोगों ने इस सिद्धांत को अपनाकर अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सबसे पहले बारी आती है ओपरा विनफ्रे। ओपरा विनफ्रे जो एक प्रसिद्ध टीवी होस्ट और बिजनेस वुमन है, उन्होंने आकर्षण के नियम को अपनाया और अपने जीवन को बदल दिया। उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग और विजुलाइजेशन का उपयोग करके अपने सपनों को साकार किया। उन्होंने अपने शो में कई बार इस सिद्धांत का उल्लेख किया है और बताया है कि कैसे इसने उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर आते हैं जिम कैरी। प्रसिद्ध अभिनेता जिम कैरी ने भी आकर्षण के नियम का उपयोग करके अपने करियर में सफलता पाई। उन्होंने खुद को $1 मिलियन का चेक लिखा और अपने सपनों की फिल्म में अभिनय करने की कल्पना की। कुछ सालों बाद उनकी कल्पना सच हो गई और उन्होंने डब एंड डंबर फिल्म के लिए $1 मिलियन कमाए। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो एक बॉडी बिल्डर, अभिनेता और राजनेता है, उन्होंने भी आकर्षण के नियम का उपयोग करके अपने जीवन में सफलता पाई। उन्होंने हमेशा अपने लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना की और उनके प्रति समर्पित रहे। उनका कहना है कि उनकी सफलता का रहस्य उनकी सकारात्मक सोच और विजुलाइजेशन है। आकर्षण के नियम के व्यवहारिक अनुप्रयोग। आकर्षण के सिद्धांत को व्यवहार में लागू करना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके अपनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हमें उठाने होंगे। सबसे पहले सकारात्मक सोच को अपनाएं। हमेशा सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव विचारों से बचें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आए तो उसे सकारात्मक थॉट से बदल दें। यह एक अभ्यास है जो समय के साथ आपके करने से आसान होता जाएगा। इसके बाद धन्यवाद की भावना। हमेशा उन चीज़ों के लिए आभारी रहें जो आपके पास है। धन्यवाद की भावना सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है और अधिक अच्छी चीज़ों को आकर्षित करती है। हर दिन उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। इसके बाद ध्यान और मेडिटेशन। नियमित ध्यान और मेडिटेशन करें। यह आपके दिमाग को, मस्तिष्क को शांति और संतुलन देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ध्यान के माध्यम से आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। अपने जीवन के लिए आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। उन पर ध्यान केंद्रित करें, विजुलाइजेशन का उपयोग करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आपके लिए उन्हें प्राप्त करना आसान हो जाता है। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं। अपने आसपास पॉजिटिव और प्रेरणादायक लोगों को रखें। उनकी ऊर्जा और दृष्टिकोण आपको भी प्रेरित करेगा। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए जो आपकी ऊर्जा को कम करते हैं या आपकी ऊर्जा की चोरी करते हैं। आकर्षण के नियम के लाभ। इससे मिलने वाले लाभों में सबसे पहले हमें मानसिक शांति मिलती है। पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन से मानसिक शांति मिलती है। आप अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं और तनाव मुक्त रहते हैं। यह आपकी मानसिक स्थिरता को भी बढ़ाता है। इसके बाद आत्मविश्वास में वृद्धि।
जब आप सकारात्मक सोचते हैं और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करने लगते हैं। यह आत्मविश्वास आपके कार्यों में झलकता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करता है। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। पॉजिटिव थिंकिंग और मानसिक शांति का सीधा प्रभाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब आप खुश और संतुष्ट होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और आप कम बीमार पड़ते हैं। नियमित ध्यान और मेडिटेशन भी शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। इससे आपके रिश्तों में सुधार होता है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करते हैं तो आपके रिश्ते भी बेहतर होते जाते हैं। लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं और आपके सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित होते हैं। इससे आपके व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों प्रकार के रिश्तों में सुधार होता है। इससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ती है। आकर्षण के नियम का पालन करने से आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और उनके प्रति समर्पित रहते हैं। यह समर्पण और स्पष्टता आपकी सफलता की संभावना को बढ़ाते हैं। आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ज़रूरी कदम उठाते हैं। आकर्षण के नियम को दैनिक जीवन में अपनाने के तरीके, आइए अब इसके बाद बात करते हैं कि हम आकर्षण के नियमों को अपने दैनिक जीवन में कैसे डालें, कैसे लेके आए और आकर्षण के नियम को अपने दैनिक जीवन में कैसे अपना सकते हैं। इसमें सबसे पहले सुबह का रूटीन। हर सुबह सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। आप कुछ मिनटों के लिए ध्यान कर सकते हैं, अपनी उपलब्धियों के लिए आभारी हो सकते हैं और अपने दिन के लक्ष्यों की कल्पना कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन बोर्ड। अपने लक्ष्यों और सपनों का एक विजुअलाइजेशन बोर्ड बनाएं। यह एक बोर्ड हो सकता है जहां आप अपने लक्ष्यों, प्रेरणादायक तस्वीरों और उदाहरणों को चिपकाते हैं। यह बोर्ड आपको रोजाना प्रेरित करता है और आपके सपनों को जीवंत रखता है। इसके बाद धन्यवाद डायरी, कृतज्ञता डायरी। हर रात सोने से पहले उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कृतज्ञता डायरी या धन्यवाद डायरी आपकी सोच को पॉजिटिव बनाए रखती है और आपके जीवन के छोटे छोटे सुखों की याद दिलाती रहती है। इसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशंस। प्रतिदिन पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करती है, ट्रेन करती है। यह आपको आत्मविश्वास से भर देती है और आपके दिन को सकारात्मक बनाती है। इसके बाद नकारात्मक ऊर्जा से बचें। नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें। नकारात्मक समाचारों, सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने से बचें जो आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़, आकर्षण के नियमों के सिद्धांतों की पुष्टि। आकर्षण के नियमों की पुष्टि विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों और शोधों में भी होती है। आइए कुछ प्रमुख अध्ययनों पर नज़र डालें। सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य, पॉजिटिव थिंकिंग और हमारी हेल्थ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग सकारात्मक सोचते हैं उनकी उम्र अधिक होती है और वे कम बीमार पड़ते हैं। यह अध्ययन बताता है कि सकारात्मक सोच और मानसिक शांति का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी पर शोध। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस UCLA के शोधकर्ताओं ने पाया कि नियमित ध्यान और मेडिटेशन से मस्तिष्क की संरचना में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह शोध न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत की पुष्टि करता है और बताता है कि हमारे विचार और अनुभव हमारे मस्तिष्क को कैसे बदल सकते हैं। इसके बाद विजुलाइजेशन और सफलता। कई एथलीट्स और प्रदर्शनकारी कलाकारों पर किए गए शोध बताते हैं कि विजुलाइजेशन तकनीक उनके प्रदर्शनों को सुधारने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, खेल मनोविज्ञान में यह देखा गया है कि जो खिलाड़ी अपनी सफलता की कल्पना करते हैं वे वास्तविक खेल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आकर्षण के नियम के प्रति संदेह। आकर्षण के नियम के समर्थकों की संख्या जितनी अधिक है उतनी ही संदेह करने वाले लोग भी हैं। कुछ लोग इसे केवल संयोग मानते हैं या इसे अंधविश्वास समझते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सकारात्मक सोच और मानसिक शांति के लाभ वास्तविक है। हालांकि यह भी सत्य है कि केवल सोचने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, हमें उस पर आवश्यक कार्रवाई भी करनी पड़ती है। आकर्षण का सिद्धांत एक काल्पनिक विचार नहीं है बल्कि इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार भी है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपनी ब्रेन वेव्स, ऊर्जा और मस्तिष्क की संरचना को बदलते हैं।
यह परिवर्तन हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। आइए हम सभी सकारात्मक सोच अपनाएं और आकर्षण के सिद्धांत को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में लागू करें। इससे न केवल हम खुद अपने आप को बेहतर बनाएंगे बल्कि अपने आसपास के लोगों को, पूरे समाज को भी सकारात्मक ऊर्जा देंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके अन्य साथियों तक ये वीडियो पहुँचे और उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।